हेलो दोस्तों, मैं प्रेषित ग्रेट आई को स्वागत करता हूँ। आज 13 अगस्त सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है। आइए दांडे के जानते हैं नेट से कैसा एग्जाम का लेवल। अगर बात करें अटेंडेंस की तो 120 सीट्स में से 85 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। आइए जानते हैं नेट से कैसा एग्जाम। कुछ क्वेश्चन याद है सर, जैसे हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री या एंशियंट, ऐसे वो जो फेडरल और सेंटर की जो फेडरल प्रोविंशियल की जो है ना लिस्ट है वो लगती थी, वो कौन से एक्ट में गई थी, मतलब जी ओ एक 1919 या फिर 35 में। अच्छा, कोई मिडिवल हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया हो? मिडिवल से बाबर कब आया था इंडिया में, मुगल मुगल साम्राज्य इंडिया में कब आया था? अच्छा, कोई एंशियंट हिस्ट्री से आया कोई क्वेश्चन? एंशियंट का याद नहीं मेरे को, याद नहीं मुझे। अच्छा, याद नहीं आया क्वेश्चन आया हुआ। अच्छा, इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन आया था? इकोनॉमिक्स से कुछ नहीं आया। इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन आया? जी डी पी से, कोई फाइव प्लान से या कोई उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया? अच्छा, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया होगा? ज्योग्राफी का नदी पर्वत से, कोई पहाड़ से या कोई मैदान या मानसून से? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आया उससे, कोई क्वेश्चन नहीं आया। बात करें तो पॉलिटिक्स से कोई आर्टिकल वगैरह या कोई संशोधन वगैरह? वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल आया था। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल किस में है, किस आर्टिकल में? अच्छा, बात करें तो कोई ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं आया? अच्छा, बुक पूछी गई थी, कोई बुक पूछी गई थी, नाम याद नहीं मुझे। अच्छा, नाम याद नहीं है कोई, एग्जैक्टली नाम याद नहीं है बुक का। अच्छा, कोई पीएम की कोई योजना पूछी गई हो? हाँ, सांस, एक सांस की मैं कैंपेन किसने चलाया, कौन से स्टेट ने चलाया? कुछ क्वेश्चन आया था जीएस के? जीएस का आया था एक रोवा वन्य जीवन अभ्यारण्य का, रोवा वन्य जीवन अभ्यारण्य असम में जो। अच्छा, कोई पीएम की कोई योजना कौन सी थी सर? पीएम की नहीं आई, सांस योजना है, सांस आरबीएल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आरबीएल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, कोई स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन पूछा गया था? स्पोर्ट्स से, जैसे ओलंपिक से कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं, जनवरी 2021 का करंट था। जनवरी 2021 का क्या करंट अफेयर था, कुछ याद है सर? दो तीन क्वेश्चन थे जनवरी 2021 से, याद होगा दो क्वेश्चन करंट अफेयर के? बैंक से पूछ रखा था। हेड कौन है? एमडी कौन है? कौन है? अच्छा, अटेम्प्ट कितने करे आपने? 83। आपने कितने? 80 अटेम्प्ट करे। जीएस आसान थी? जीएस आसान थी। क्वेश्चन और याद हो गई? साइंस से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो? फिजिक्स से कोई ऐसा यूनिट वगैरह पूछी गई हो? इसमें प्रेशर का फॉर्मूला पूछा था, प्रेशर का फॉर्मूला, मास, प्रेशर का फॉर्मूला पूछा गया था। अच्छा, कोई बायो से पूछा गया हो कोई क्वेश्चन? इंग्लिश में, इंग्लिश से कोई एंटोनियम सिनोनियम पूछे गए थे, याद है कोई डेटा सर किसका पूछा गया? बहुत बेसिक है, याद नहीं, बहुत बेसिक है, एग्जैक्टली याद नहीं। अच्छा, बात करो तो कोई वन वर्ड से प्रिसिजन पूछा गया था? एक इडियम फ्रेज वो आया था, टेक अ चिल पिल, टेक अ चिल पिल का इडियम फ्रेज, चिल पिल आया था। अच्छा, वन वर्ड से प्रिसिजन कोई याद नहीं है, बहुत बेसिक थे मतलब। अच्छा, बिल्कुल बेसिक है। अच्छा, बात करो तो कोई स्पेलिंग करेक्शन स्पेलिंग आया था कोई? स्पेलिंग करेक्शन आया था सर, स्पेलिंग दी, अलॉटमेंट आया था, अलॉटमेंट की स्पेलिंग। अच्छा, कोई नरेशन पूछा गया था? बेसिक सवाल था, नरेशन में कोई हार्ड नहीं था, पैसिव वॉइस था, किस टाइप का क्वेश्चन था, याद है कोई हल्का फुल्का? देखो, एक हिस्ट्री का तुमको याद है? क्या हिस्ट्री का क्वेश्चन है सर? एक तो था कि बाबर कब आया था। अच्छा, दूसरा था कि ये लेजिस्लेटिव पावर में ऑटोनॉमी कब दिए थे हम लोग, फेडरल स्ट्रक्चर वाला ऐसा कुछ आया था। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा रुको, और याद आता है तो बताते हैं भाई। अच्छा, बताइए कोई एक्टिव पैसिव क्वेश्चन पूछे गए थे? एक्टिव पैसिव नहीं, एक्टिव पैसिव नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कोई याद हो? क्वेश्चन वोशन तो याद है, वो काफी लंबा स्टेटमेंट होता है। सवाल पूछी गई थी भाई, कुल कुछ क्वेश्चन याद है? ऐसे क्वेश्चन थे, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना इंडिया में कब किया था, ये वाली क्वेश्चन था। अच्छा, और क्या क्वेश्चन थे सर जीएस के, कोई याद हो, जैसे हिस्ट्री से कोई मॉडर्न हिस्ट्री से हो या फिर कुछ से हो, क्या नाम है, मुगल से तो ये आ गया क्वेश्चन, एंशियंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन हो? नहीं, और एक क्वेश्चन था ना कि प्रोविंसेस में वही जो फेडरल वाला हम बताया, हाँ फेडरल वाला, तो अति प्रोविंसेस वाला था ना? हाँ, हाँ, और एक और याद है भाई, भूल जाएंगे क्या, बताइए सर। अरे भूल गए, रुको। हाँ, याद आ गया, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर पूछा गया था। हाँ जी, देयर शुड बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका कौन सा आर्टिकल में है? हाँ, अच्छा, बात करें तो कोई पी क्यू आर एस पूछा गया था, जंबल सेंटर्स, पी क्यू आर एस, सही क्यू आर एस जो लगाने होते हैं वो पूछे गए थे। क्या क्या? पी क्यू आर एस इंग्लिश में, हाँ अरेंज वाला वो तो रहेगा ही भाई, सिंपल था वो, बिल्कुल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था, इंग्लिश में बिल्कुल सिंपल पूछ रहे हैं, इंग्लिश भाई बहुत आसान है, हम बना के आए, मतलब आसानी होगा। अटेम्प्ट कितने करे आपने? यार अटेम्प्ट तो याद नहीं है, तो आखिरी समय तक बनाए हैं, मतलब आपने कितने अटेम्प्ट करे? मैंने 73 के। आपने? भाई सब तुक्के लगे आखिरी में आके, टाइम नहीं बचा था बिल्कुल। आपने कितने अटेम्प्ट करे? हमारे ज्यादा नहीं है, 46-47 ही अटेम्प्ट है, हम एक सर्विसमैन है। 69 या 17। अच्छा, मैथ्स और क्या है ना कि क्या बोल रहा था, मैथमेटिक्स बहुत कैलकुलेट, मैथमेटिक्स में बात करूं तो कोई मीडियम से एसआईसीआई क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, डेटा याद है कोई हल्का फुल्का, जैसे हमको याद है, हमको याद है भाई, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है ऐसा वाला, सिंपल इंटरेस्ट
इंटरेस्ट में होता है ना कि पहले इंटरेस्ट निकालना था या अरे बोलने तो भाई क्या निकालना था हाँ कि पहला तीन साल में 2% इंटरेस्ट रेट है पहला दो साल में 8% और फिर अगला तीन साल में कुछ परसेंट इंटरेस्ट है और बाकी के बचे में मान लो 4% है तो प्रिंसिपल बताना था इंटरेस्ट बता दे रखा था सीआई से क्वेश्चन पूछा गया था नहीं सीआई के सवाल मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया मैं इतना छोड़ था उधर ही फंस गया मैं पेपर नहीं नहीं पेपर पूरा देखे हम भाई कुल मिला के ना ज्योमेट्री से क्या क्वेश्चन था सर ज्योमेट्री के एंगल बेस्ड क्वेश्चन थे अरे ऐसा था ना कि जैसे 18 लोग 8 दिन में 10 घंटे काम करके 3 यूनिट का काम करते हैं तो कितने लोग हम लोगों हमको चाहिए होगा और दूसरे साइड बाकी पैरामीटर वेरी कर दिया था जैसे कि वर्क हम लोग को बढ़ा दिया था और आर खुद कम कर दिया था तो ये वाला था मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा गया था सीबी पूछा हो या क्या पूछा था सर मतलब एक एसपी दे रखी थी और कहा था कि हमको दो इसी एसपी पे दो प्रोडक्ट बेचे हैं एक पे 18% का प्रॉफिट हुआ दूसरे पे 11% का लॉस हुआ तो ये बस इसी कंसेप्ट पे था इसका एक अच्छा एच सी एफ एल सी एम का क्वेश्चन पूछे गए थे एच सी एफ एल सी एम से मैं तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन में ही फंस गया इतना सारा भाई हम पूरा अटेम्प्ट किए तुम पूछो अच्छा डीआई से क्वेश्चन पूछा गया था डीआई से डेटा इंटर हां था क्या क्वेश्चन थे मतलब याद हो सर थोड़े बहुत पाई चार्ट के ऊपर हां चार्ट पता है भाई पाई चार्ट रेशियो वाले थे कैसे थे रेशियो वाला था क्या था कि पाई चार्ट नहीं थे वो दे रखा था पाई चार्ट दे रखा अरे हमको याद है भाई अलग-अलग हमको याद है करके बोल रहे हैं हां अरे दो चार्ट दे रखा था पहले में दे रखा था कि कितने लोग मतलब वहां पे अपीयर हुए हैं दूसरे में दिया हुआ था कितने पास हुए हैं और वो डिवीजन कर दिया था तो पूछा था क्यूआरएस रेशियो पूछा था QRS passed upon QRS upon appeared ऐसा करके अच्छा बात करो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए बहुत आसान लल्लू भाई वैल्यू बेस्ड मतलब वैल्यू बेस्ड है 45 फुट नहीं या 60 फुट नहीं ऐसे करना था 72 तक नहीं फुट लेकिन भाई लेकिन इतने लंबे थे कि लोग उसमें कैलकुलेशन में टाइम खत्म हो जाता है मतलब कैलकुलेटिव था थोड़ा कुल मिला के कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है पेपर आ रहा है आसान जो बंदे जिसके वो मतलब सही होगा ना हिसाब किताब वो भाई 180-90 बिल्कुल आसानी से अच्छा बात करो तो कोई हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया था नहीं नहीं हाइट एंड डिस्टेंस कोई क्वेश्चन नहीं सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाना बोर्ड मार्क्स पे बेस्ड हो कोई हां आसान था आसान था अच्छा बात नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूछा गया हो नंबर का डिपेंडेंट था डिविजिबिलिटी रूल से इस टाइप से मतलब था एक क्या भाई एक 5 डिजिट का नंबर है वो 7 2 7 3 7 11 से कट जाता है तो 2y-8x का वैल्यू क्या होगा टू बाई माइनस एक्स यही था अच्छा बात करूँ तो रीजनिंग में कोई कैलेंडर से क्लॉक से क्वेश्चन था कैलेंडर या क्लॉक से सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था अच्छा कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया था किस टाइप का क्वेश्चन था सर ये डेटा याद हो कोई हल्का वही है ना कि किसी शब्द का कोड ये है और दूसरे का कोड ये है तो तीसरा को जगह का कोड पूछ रहा था हमको याद है देखो उस वो इस टाइप का था कि जैसे मान लो कि टिप को लिख दिया कि 108 है उसका कोड मतलब जो अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में तुम लिख के ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे उनका क्वेश्चन पूछे गए थे हाँ बेंडर में था कि लड़की म्यूजिशियन अति और सिस्टर है ना लड़की म्यूजिशियन और सिस्टर मतलब और ब्लड रिलेशन वाला साला छोड़ दिया ब्लड रिलेशन वाला क्या क्वेश्चन था इंस्टाग्राम का था कि म्यूजिशियन और मदर और लेडीज तो सारे मदर लेडी होंगे और उसमें से मदर और कुछ लेडी म्यूजिशियन होंगे अरे भाई तुमको सोल्यूशन दे दिया ब्लड रिलेशन से क्या क्वेश्चन था सर यही जो अभी बता रहे थे ब्लड ये तो वेन डायग्राम का बता रहे हैं ब्लड रिलेशन नहीं उस पे थे क्या बोलते हैं उसको PQRS वाला अच्छा PQRS वाला P+Q वाला इस टाइप से अच्छा सुना ना भाई साइड हो जाए और नंबर सीरीज से कोई क्वेश्चन पूछा गया था किसका नंबर सीरीज से नंबर सीरीज वाला यार अभी हमको याद नहीं याद आएगा तो अभी बता देंगे नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा ध्यान भी नहीं आ रहा हमको अच्छा बात करूँ जो पेपर के जो ओवरऑल लेवल है वो कैसा है मतलब जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनको किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए चारों सब्जेक्ट में से इंग्लिश GS मैथ या रीजनिंग में मतलब कौन सा ज़्यादा हार्ड पूछ रहा है देखो वो तो शिफ्ट पे चेंज होता है लेकिन हमको मेरे वाले में बस ये फील हुआ कि लेंदी था पेपर मतलब डोएबल है बट लेंदी है मतलब लेंदी जो है मैथ जो है कैलकुलेटिव है थोड़ी सी मैथ हाँ ये था एग्जाम का लेवल जैसा कि इंडेक्स ने बताया अगर बात करें पेपर के लेवल की तो इजी टू मॉडरेट बता रहे हैं अगर बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश बहुत ईजी बता रहे हैं और मैथ की बात करूँ तो मैथ जो है वैसे सिंपल है और कैलकुलेटिव बता रहे हैं अगर वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत